दीदी मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। अच्छा ठीक है। अच्छा दीदी वो नवरात्रि शुरू हो गए ना तो मैं थोड़ा लेट आऊंगी अब से। क्यों? वो दीदी नाके पर ना नवरात्रि में माता जी का पंडाल लगा है तो वहां जाके साफ सफाई का काम करूंगी। अच्छा तो इसका मतलब तूने नया काम बांध लिया है। नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, वहां तो मैं अपनी श्रद्धा से काम करने जा रही हूँ और वैसे भी भगवान जी के काम में कैसे पैसे लेना, इनका काम तो हमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए ना। अच्छा अब रुक एक मिनट, ये ले 1000 रुपये, मेरी तरफ से भी ना भगवान को चढ़ावा चढ़ा देना। अच्छा ठीक है दीदी मैं चढ़ा दूंगी, चलती। दीदी नमस्ते, ये लीजिए प्रसाद। जय माता दी। दीदी मुझे ना आपसे कुछ बात भी करनी थी, आपने मुझे 1000 रुपये दिए थे ना तो मैंने सिर्फ 200 के प्रसाद चढ़ाया, क्यों वो 800 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं कहाँ खर्च हो गए? मंदिर गई थी ना तो वहां मुझे एक आदमी मिला था। माता रानी मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, आप ही बताओ वहां मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ भैया, परेशान लग रहे हैं? अरे बहन मैं वैष्णो देवी गया था माता रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब लौट कर आ रहा था तो रास्ते में किसी ने मेरा पर्स और मोबाइल चुरा लिया। तो भैया आप किसी से फोन करके मंगा लीजिए ना। अरे यही तो परेशानी है, सारे नंबर मेरे फोन के अंदर थे, कैसे किसको फोन करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे घर वाले अलग से परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। अच्छा कितने पैसे चाहिए आपको? भैया यही कोई 800 रुपये। एक बात आप सच सच बताइए, आप पैसों के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? अरे दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं, माता रानी के सामने बैठा हुआ हूँ, झूठ थोड़ी बोलूंगा, यहाँ झूठ बोल के नरक में जाऊंगा क्या? आप परेशान मत होइए, आप घर पहुंच जाएंगे। कैसे? ये लीजिए आप टिकट करके अब पहली गाड़ी से फटाफट अपने घर पहुंच जाइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माता रानी आपको बहुत तरक्की दे। कोई बात नहीं भैया, आप आराम से जाइए। धन्यवाद। उसे पैसे की जरूरत थी तो मैंने उसको दे दिए, पर आप ना चिंता मत कीजिए मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी, नहीं तो आप ना मेरी तनख्वाह में से काट लेना। अरे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, तो जानती है पूजा कल रात को मेरे सपने में माता रानी आई थी, उन्होंने मुझसे क्या कहा कि 800 रुपये का चढ़ावा उन तक पहुँच गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने 800 के चढ़ाए ही नहीं थे, सिर्फ 200 का चढ़ाया था। तुझे क्या लगता है तूने जिन पैसों से उस इंसान की मदद की थी वो चढ़ावा माता रानी तक नहीं पहुंचा होगा? क्या मतलब दीदी? मतलब ये कि भगवान खुद तो इस धरती पर नहीं आते, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए अपने भक्तों को जरूर भेज देते हैं, जैसे तुझे भेजा उस इंसान की मदद करने के लिए। और पूजा ये जो हम दान पेटी में चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, मुझे नहीं लगता ये चढ़ावा होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, किस काम आ रहे हैं। पूजा असली चढ़ावा तो वो होता है जिससे हम किसी की मदद कर सके, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, यही देखकर ना माता रानी हमेशा खुश हो जाती है और हमारा चढ़ावा भी अपना लेती है। ये बात तो आपने एकदम सही कही दीदी। जय माता दी। जय माता दी।